जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। मैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A22 5G के अंदर जो हमें UI 4.1 एंड एंड्रॉयड 12 वाला जो अपडेट है वो कब तक यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर कमेंट्स आ रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग भी बताइए। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं 12 दिन पहले एक वीडियो बना के बता चुका हूँ, जब एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट इस डिवाइस के लिए रिलीज हुआ था ना, उस समय मैंने इन्फॉर्म किया था। अब इस वीडियो अंदर हम लोग UI 4.1 के रिगार्डिंग एक बार बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में और भी आपको जो यहाँ पर सैमसंग के रिगार्डिंग यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलने वाली, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, सैमसंग का जो A22 5G है ना, इसके लिए यहाँ पर पिछले महीने में एक अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ था, जिसके अंदर यहाँ पर हमें अप्रैल का सिक्योरिटी पैच दिया गया था शायद। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिला था और उसके अंदर जो है हमें नॉर्मल एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट था और कुछ भी हमें बड़े फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे थे। और अब भी क्या है कि यहाँ पर सैमसंग के A22 5G यूजर्स को यही लगा कि अब ये वाला अपडेट आ गया है, तो फिर यहाँ पर 1UI 4.1 वाला अपडेट कब देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियली सैमसंग ने ये बताया हुआ था कि उनका जो सैमसंग का A22 5G डिवाइस है, इसके लिए यहाँ पर जो अपडेट है ना, आपको यहाँ पर मई के महीने में मिलना था, बट उसकी जगह एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट रिलीज हो गया। वो क्यों रिलीज हुआ, कारण ये था कि जो अगला अपडेट था वो बड़ा अपडेट यहाँ पर आने वाला था, और उसको अपडेट को हैंडल करने के लिए एक नॉर्मल सिक्योरिटी पैच का अपडेट देना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जिसमें कुछ बग्स वगैरह यहाँ पर हैंडल हो सके। इस कारण यहाँ पर सैमसंग वालों ने पिछले मंथ में एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट रिलीज कर दिया। और अभी क्या है कि सैमसंग के A22 5G यूजर्स के लिए मैंने बात किया यहाँ पर सैमसंग की टीम से, तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो अपडेट है ना, वो आपको इसी महीने के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इतने तो उन लोगों ने कन्फर्म कर दिया है कि इसी महीने में हम लोग जो यहाँ पर अपडेट रिलीज कर देंगे सैमसंग के A22 5G के लिए इंडिया में। तो आप लोगों को कम से कम इस महीने के तक का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अब और कितना वेट करना पड़ेगा, एक फिक्स टाइमलाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सैमसंग का जो A22 5G है ना, उसके लिए जो अपडेट है वो आपको लगभग 28 या 30 जून के आसपास हमें देखने को मिली जाएगा इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा यहाँ पर सैमसंग का कहना है कि हम लोग जून के महीने में जो है अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर जून के महीने में जो अपडेट है वो मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पर सैमसंग के A22 5G के लिए। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और जैसे ही अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा सैमसंग के A22 5G के लिए इंडिया में, मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो बना के तो इन्फॉर्म करने ही वाला हूँ, साथ में यहाँ पर आपको फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है सैमसंग इंडिया अपडेट्स के नाम से देखने को मिलता है, उसको आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे अपडेट आएगी सबसे पहले न्यूज़ मिलेगी वहीं पर और आपको फिर उसका अगर वीडियो बनाकर टॉप फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी यही है कि सैमसंग के A22 5G यूजर्स के लिए इंडिया में जितने भी यूजर हैं उन सभी को लगभग यहाँ पर जून के एंड तक का वेट करना पड़ेगा। 25 से 30 जून का जो टाइम लाइन है उस बीच में हमें अपडेट जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बट इतना कन्फर्म है सैमसंग ने कहा है कि हम जून के महीने में अपडेट को यहाँ पर रिलीज करेंगे। तो आप लोग थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, जैसे ही अपडेट आता है मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर बताने वाला हूँ वीडियो बना के। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर आपको वीडियो को यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।